गाइस वेलकम आ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके साथ ये एक ऑर्गेनाइज़र का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। इसको मैंने मीशो से मंगाया था। इसमें आपको इस तरीके से ये 12 जो हैं इसको अटैच करने के लिए मिल जाते हैं। बाकी के 5 आपको इसमें बास्केट्स मिलते हैं और जो उसका स्टैंड है उसको आपको क्रिएट करना पड़ता है ऑर्गेनाइज़र को। आपको इसी पैकेजिंग में रिसीव होता है बॉक्स में। तो इसमें मेरे को इस तरीके से ये मिले हैं, इसमें हमें अटैच करना है। तो सबसे पहले 1 by 1 आप इसमें अटैच करोगे। तो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसमें इस तरीके के ये जो हैं वो लगे होते हैं, अटैचमेंट कुछ होती है जिससे ये अपनी प्लेस पे ही रहे। और इस तरीके के जो आपको अटैचमेंट्स मिलते हैं उसको आपको ऐसे 1 by 1 करके लगाना होता है। इसमें होल होते हैं तो वहीं आपको इसको अटैच कर देना होता है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, इसको मैंने मीशो से बाय किया है। आजकल मीशो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सारे लोग मीशो से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। एक मेरा मीशो हॉल है जिसमें मैंने अपना क्लोथिंग हॉल है, जिसमें मैंने वहाँ से कुछ क्लोथ्स मंगाए थे, तो उसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये जो होता है आपको अटैचमेंट को इस तरीके से अटैच कर देना होता है और 1 by 1 करके आपको पूरा स्टैंड ऐसे ही क्रिएट करना होता है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ मीशो पे सबसे ज़्यादा कम प्राइसेस में आपको चीज़ें मिलेंगी अदर वेबसाइट के। तो फ्लिपकार्ट अमेज़न वगैरह पे ये 1200 1300 1400 रुपए का था, लेकिन मैंने मीशो से ये कुछ 950 या 925 अराउंड में बाय किया है। लिंक और कोड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और इसका एग्जैक्ट प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो मुझे ये इतना कम प्राइसेस में मिल गया था और इसकी जो क्वालिटी की बात करूँ वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये, मतलब बिल्कुल भी चीप क्वालिटी नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिला है मुझे। तो मैं पहले देखना चाहती थी ट्राई करके कि ये कैसा है, फिर उसके बाद ही आपके साथ रिव्यूज़ का शेयर करने वाली थी। मैंने इसको काफ़ी टाइम से यूज़ करके देख लिया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जब आप इसको पूरा अटैच कर लेते हो तो ये कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो आपको 1 by 1 बास्केट इसमें इंसर्ट करने होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कलर के अकॉर्डिंग इंसर्ट कर सकते हो। वहाँ पे मीशो पे जैसे मेरा थोड़ा कलरफुल है, वाइट और कलरफुल का कॉम्बिनेशन है, लेकिन मीशो पे आपको पूरा सेम कलर का भी मिल जाएगा, तो उसके लिए आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा जो मेरा है बनके तैयार हो गया था बिल्कुल अच्छे से। तो ये जो ड्रॉअर्स हैं वो इस तरीके से ओपन अप हो जाती हैं, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है ये प्लास्टिक का होता है, तो आपको सबसे नीचे वाले पार्ट में सबसे हैवी वाली चीज़ें रखनी है और सबसे ऊपर वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा हल्की चीज़ें। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने रख लिया था। साइड में मेरा मेकअप वैनिटी है। तो सबसे पहले ड्रॉअर में आप ज्वेलरी रख सकते हो, जो भी चीज़ें आपको चाहिए। तो मैंने सबसे पहले ड्रॉअर में ज्वेलरी रखा हुआ था। सेकंड ड्रॉअर में मैंने अपना थोड़ा स्किन केयर का सामान है, मिसलर वाटर है, फेशियल रेजर्स हैं, सीरम है, तो ये सारी चीज़ें थी। जो नेक्स्ट ड्रॉअर है उसमें मैंने थोड़ा हेयर पिंस, वैक्स स्ट्रिप एंड ऑल रखे हुए हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी हैं कुछ। और सबसे लास्ट जो ड्रॉअर है इसमें मेरा एयर ब्रश रखा है और एक मामा अर्थ का विटामिन सी नाइट मास्क भी रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने रख लिए। तो लास्ट ड्रॉअर में थोड़ा मिसलेनियस सामान है जैसे स्किन केयर वगैरह का। तो ये है पूरा मेरा ड्रॉअर। इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और रिव्यू हेल्पफुल रहा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।